madam. Thank you, sir. Amanpreet Kaur. Amanpreet Kaur. Even a businessman cannot conduct good business without education. An industrialist cannot run the industry without proper feedback in terms of academic exercises or whatever. बिना पढ़ाई दे होन ना देश बच सकता है ना डिफेंस हो सकता है ना प्रोग्रेस हो सकती है. तो इस अहमियत को जरूर ध्यान से रखना चाहिए. और एजुकेशन वो करिश्मा है, वो मरेकल है जिहड़ा छोटे परिवार च पैदा होवो, वड्डे परिवार च पैदा होवे, होवो वड्डे रुतबे वाले परिवार होण, छोटे रुतबे वाले परिवार होण, पिंड विच रहण वाला परिवार होवे, शहर च रहण वाला परिवार होवे, इह सारियां नूं इक्को जिहा माण दिवांदा है. एजुकेशन जिहड़ी है इक्को जिहा रुतबा दिवांदी है. एजुकेशन नहीं विसरा करदी बंदे दे नाल. कोई बंदा लगे जिदे को एजुकेशन है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उन्होंने रुतबा देती है, उन्होंने सत्कार देती है, उन्होंने रोजगार देते भी मैं गल कही थी, उसकी अहमियत को जरूर हमेशा ध्यान से रखना. सम पीपल कंपेयर एजुकेशन विद मनी कि दो जो कि चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पैसा अपनी जगह इंपॉर्टेंट है पर पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है. और मनु मैं कई बार दोहा दोहराना कहने के क्यों उदा कारण है कि मैं बड़े करोड़पतियों को खाकपति होंगे देखे. आई नो नंबर ऑफ पीपल जेड़े खानदानी बड़े अमीर सन पर हूँ नौकरी मंगते पे हैं भावें कितने ला दो. तो ये सिचुएशन हो सकती है बट दिस हैपन्स ओनली विद मनी. जिन्हों को क्योंकि पैसा टिकता है, पैसे की चाल यह है कि एक जगह नहीं रहता, कभी नहीं रहता. जो थोड़े दिन टिक जाए किसी को एक दो जनरेशन तो एक बड़ी वही गल होती है. तीजे जनरेशन तो बाद बंदे कहते हैं कि तुरना ही होता है किधर होर या फिर दोबारा उन्होंने एक्वायर करना चाहता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन आवर ट्रेडिशन. इफ वी अंडरस्टैंड द ट्रेडिशन वी विल अंडरस्टैंड द प्रोपोजिशन. असं अंदर अपनी ट्रेडिशन को कुछ समझते हैं इस वास्ते गल समझ नहीं आती. पर मैं जी गल कहनी चाहता कि जोड़ा पैसा है ये टिकता नहीं एवादारी उत्थे ही रहनी है जिन्हें अक्वायर की हमेशा रहती है. आखिरी श्वास तक लोग अपनी जीवनियां जिन्हें घर आए बार लेते आते हैं कोई नहीं उन्होंने खो सकता. वो कहते हैं इसे वास्ते जी क्योंकि भी गल कर लक्ष्मी किसकी हो सकी सदा बदलती राय. लक्ष्मी किसकी हो सकी सदा बदलती रंग इसीलिए हम वो चले सरस्वती के साथ. इसीलिए असं सरस्वती का प्रभाव पड़े क्योंकि एक ही है ये जितने एक बार आ गए. मैं 75 च एम ए की फिर मैं PhD शुरू कर ली थी. बड़ा काम किया बड़ी पढ़ाई कहां थी सिर्फ रात पर मनु कोई नुकसान नहीं हो. मैं कोई अपनी मिसाल इस वास्ते नहीं दे रहा कि मैं कोई अपनी पढ़ाई लिखाई की कोई तारीफ कर रहा नहीं क्योंकि मेरे को डिग्रियां सन डिग्रियां भी सड़ गई सब कुछ सड़ गया पर फिर भी एजुकेशन मेरे को रह गई. फिर भी सनद मेरे को रह गई. यस घर पूरा सड़ जाए पर एक बार धन चला जाए सड़ जाए मुक जाए तो बंदा बर्बाद हो जाता. एजुकेशन ऐसी चीज है ना इन कोई खो सकता है. जे कोई चार थोन मार के कहो तेरी एम ए की डिग्री खो लगा नहीं खो सकता. टैची हो लैके भज जाएगा कुछ पेड़ा मार है ना. इस अहमियत को हमेशा याद रखना है कि एजुकेशन वंस एक्वायर्ड विल ऑलवेज रिमेन विद यू. अज तुम जी डिग्री ले ली यह तगमा थोड़े वास्ते हमेशा वास्ते पक्का हो गया कि तुम ग्रैजुएट हो मान सत्कार मिलेगा रुतबे हासिल करोगे और इसके ही एजुकेशन रोजगार देगी
यही एजुकेशन तो रुतबा देगी। एक गल ये जी है मैं थोड़े नी करना चाहूंगा, इस अहमियत को और पढ़ाई लिखाई वाल होर तवज्जो देनी है, और पढ़ाई लिखाई एक लिहाज न सारी जिंदगी खत्म भी नहीं होती, ये भी ध्यान च रखना है। जी असी नॉलेज एक्वायर करते हैं ना, वो साढ़े काम सिर्फ एक लेवल तक आती है,